बाद में आपको CMACD 3 साल के बारे में बताऊंगा। CMACD 3 साल वाला जो होता है उसमें सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, गाइनी, ऑब्स, आई, ENT, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये भी पढ़ाई जाते हैं। उसके अलावा OTC के बारे में ज्ञान होता है, प्रैक्टिकल्स, इंटर्नशिप, प्लस हमने उस पर फोकस दिया कि आयुर्वेदिक जो हमारी ड्रोवर है उसके बारे में ज्ञान दिया जाता है, उसकी फर्स्ट एड के फोकस पॉइंट ऑफ व्यू से यूनानी फोकस पे दिया जाता है, नेचुरोपैथी के ऊपर फोकस दिया जाता है, और इसके अलावा पेट केयर के ऊपर भी दिया जाता है, एनिमल केयर, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनके बारे में भी, उनको भी तो प्राथमिक उपचार चाहिए। जब कोई डिनाई करता है या MBBS डॉक्टर नहीं है तो BBSC भी कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्र में बैचलर वेटरनरी साइंस भी कहाँ है, तो दोस्तों उनको बताया जाता है कि आपकी प्राथमिक उपचार की लाइन क्या होती है। एक लक्ष्मण रेखा को आपने क्रॉस नहीं करना, आप कोई डॉक्टर थोड़े हो, आपने ज़िंदगी बचानी है, चाहे वो जानवर की है, चाहे वो आदमी की है, चाहे औरत की है, और वॉलंटियर के बेस पे कैसे रेड क्रॉस वाले करते हैं। तो दोस्तों आपको बताऊंगा कि हमारा एक बहुत स्टूडेंट सतविंदर ऐसे एरिया में बैठा हुआ है जिसने तन मन धन से इस ट्रायो चीज को की। उनके पास एक बहुत गरीब बंदा आया कि उसके पग बीमार था। सतविंदर को हमने पहले ही सिखाया कि तू डॉक्टर नहीं है। उसने पग उसका बीमार था, पग होता है एक कुत्ता, वो कुत्ते की ब्रीड अलग सी है चाइनीज। तो दोस्तों वो बीमार था तो उसको उसने अपनी कार में बिठाया, कोई पैसा नहीं लिया, और एनिमल जो डिस्पेंसरी होती है वो पटियाला में उसको दिखाया अपने पैसे से। उन्होंने कहा ना तो हमारे पास सिरिंज है, आप सिरिंज ले आइए, हम इसका ब्लड सैंपल कर देंगे। हालांकि सतविंदर सभी तरह से ट्रेंड है, अगर वो चाहता तो उसका इलाज कर सकता था, मगर उसको समझाया गया कि तुम्हारे लिमिटेशन क्या है, तुम BBSC नहीं हो। तो जो वो गरीब बंदा था वो पहले देख रहा था कि उसके कुत्ते की आंख फड़क रही थी काफ़ी दिनों से, और आंख एक बंद रखता था, सुस्त था, 10 साल का हो गया था, वो उसको ज़िंदगी से ज़्यादा उसको प्यार करता है। तो खा पी रहा था मगर कम हिलता जुलता था, पानी बहुत ज़्यादा पी रहा था। अब आम बंदा पानी ज़्यादा पिए उसके दिमाग में ये आ जाता है कि शायद इसको डायबिटीज़ हो। सतविंदर के को पढ़ाया गया था कि ज़रूरी नहीं है कि डायबिटीज़ वाला ही पानी पीता है, जब लीवर की कोई प्रॉब्लम होती है तो भी ये चीज़ हो सकती है। अब कुत्तों में भी लीवर फंक्शन टेस्ट ख़राब होते हैं, तो सतविंदर ने जाके वो वेटरनरी डॉक्टर को पहले ही बोल दिया कि सर ये चीज़ें हैं। तो वो हैरान हो गया वेटरनरी वाला डॉक्टर, वहाँ पे डॉक्टर हैं वो गाइनी के स्पेशलिस्ट हैं, नए साल वाले दिन उसने दिखाया, और आज 8 तारीख है। तो डॉक्टर ने कहा कि ये टेस्ट करवा लो, सैंपल वहाँ पे उनसे जो वहाँ पे थे बंदे उनसे लिया नहीं गया, वो कहते भी इसकी वेन कुछ ऐसी ऐसे है। सतविंदर को पहले ही पेट केयर में BBSC MBBS की के अंडर ट्रेनिंग है, उसने सैंपल लिया EDTA वाला भी और दूसरा भी, सीरम भी लिया और होल ब्लड भी लिया उसने, उसको मालूम था EDTA कितना डालना है एंटीकोगुलेंट, और वायल में लेके वो डॉक्टर ने बताया कि हो सकता है इसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो, निक्सेडीमा हो, इसलिए इसकी आँख फड़क रही है, स्वेलिंग है आँखों। सतविंदर उससे पहले टोबरामाइसिन
उसको आंखों में डाल रहा था। वो कहते हैं उसको कंटिन्यू रखो, और उससे पहले भी 2-4 साल पहला वही गरीब बंदे ने डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। वहाँ पे एक डॉक्टर हैं जो सर्जरी के हैं, उन्होंने कहा इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, तो उन्होंने कहा भी एक्सरे करो। एक्सरे में उसका हार्ट इनलार्ज आया, मगर अल्ट्रासाउंड में, क्योंकि कोई आम बंदा तो अल्ट्रासाउंड कुत्ते का कराता नहीं, नहीं कुछ पता लगा। बीपी अपरेटस वहाँ पड़ा था, मगर बीपी अपरेटस का कफ और मशीन छोटे जानवर के लिए उतनी कस्टमाइज नहीं थी, उतना नहीं पता लग सका। तो डॉक्टर ने उस टाइम 4 साल पहले बोला था कि 10 mg प्रेडनिसोलोन सुबह दोपहर शाम तो देनी पड़ेगी, साथ में एक हार्ट की दवाई। सुखविंदर सयाना था, सतविंदर, उसने उसी टाइम ही उसको गरीब बंदे के को पता कर दिया कि ये दवा नहीं चलानी, डेंजरस है, और प्लस प्रेडनिसोलोन इतनी मात्रा में चलानेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, वो डायबिटीज़ इंड्यूस हो जाएगी, जो स्टीरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। और सतविंदर का ये कहना बिल्कुल सही रहा, और वो 4-6 साल सर्वाइव रखा वो स्टीरॉयड के बगैर ही। हालांकि डॉक्टर के मुताबिक वो सिर्फ मैक्सिमम 6 महीने या 8 महीने जिएगा। उसके बाद उसका लीवर फंक्शन टेस्ट में SGOT थोड़ी सी लार्ज आई, और SGPT 1017 आई। SGPT लीवर फंक्शन के टेस्ट है। तो सतविंदर ने अपना दिमाग लगाया, सीरम बिलीरुबिन भी करा ली, सीरम बिलीरुबिन नॉर्मल आई। अब सीरम बिलीरुबिन नॉर्मल आना, SGPT बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना 1000, और SGOT कम हो जाना, चलो ये चीज़। और थायराइड के हार्मोन काफ़ी लो आए। डॉक्टर से पूछा गया, वेटरनरी साइंस वाले MBSC से, उन्होंने कहा कि 200 mg शुरू की जाए। सतविंदर ने अपने जेब से उसका इलाज किया, अपने पैसे से, जैसे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में था, कहीं क्वैकरी नहीं की। उसको थायरॉक्सिन 50 mg से शुरू की, धीरे धीरे उसको 200 mg ले गया, और साथ में डॉक्टर ने बोला था कि ऑगमेंटिन वाला साल्ट इसको दो, यानी कि मॉक्सीक्लूमेनिक एसिड सुबह शाम इसको इंजेक्शन देना है IM। अब IM दोबारा 15 किलोमीटर से डॉक्टर से लवाना तो आसान काम नहीं है एक गरीब बंदे के लिए। सतविंदर ने फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक उसे सुबह शाम 5 दिन के लिए दिया, ताकि उसकी जो 26,000 CBC थी, वो TLC उसके बड़े हुए थे इन्फेक्शन, उसके लिए, और लगभग 2,000 का खर्चा उसके लेबॉरेटरी टेस्ट में आ गया। और साथ में डॉक्टर ने ये लिख के दी थी हेपा मस्ट, ये पहले ही सतविंदर को पढ़ाई गई हुई थी, ये हर्बल टॉनिक है। मैं यहाँ डिस्क्लेमर करता हूँ कि ये एजुकेशनल वीडियो है, इसको कतई भी किसी एनिमल पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना, अपने वेटरनरी को कंसल्ट कीजिए, ये एजुकेशनल वीडियो है। तो हेपा मस्ट उसने इसमें पढ़ी थी, इसमें सिली मेरियन नाम की हर्बल दवा होती है, ये देखिए ये लिक्विड है, और इसमें परसेंटेज जो आती है सिलीबम और इसके अलावा, मेरी थोड़ी सी आई साइट वीक है, इसमें टेफ्रोसिया सोलेनम निग्रम एक फ्लावर है, एक्लिप्टा टाइनोस्पोरा किकोनम फेलेंथस सिंटेला फुमेरिया कैशिया ब्यूवरिया टर्मिनलिया ऑर्जिना एम्बेलिया टर्मिनलिया चिबुला ऑक्सीमम सैंक्टम तुलसी तक भी है। हेपा मस्ट एक हर्बल टॉनिक है जो कि डिस्टेम्पर में अलॉन्ग विद वैक्सीनेशन ड्रग इंड्यूस टॉक्सिसिटी फॉर रिच हेयर कोट और एनोरेक्सी डिएबिलिटी में और लीवर में और एंटीबायोटिक थेरेपी में दी जाती है। ये एनिमल फीड के बारे में उसने पहले ही पढ़ रखा था। सिलीमेरिन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब ये लिक्विड है, उसको मालूम था कि जो मालक था कुत्ते का, वो उसको मुँह में डालता था, नहीं पता था।
तो उसने वेटरनरी से वाले से सीखा हुआ था हाउ टू फीड लिक्विड मेडिसिन, उसने ये चार लगभग पिला दी और साथ में ये दवा, डॉक्टर ने ये वाली दवा जो लिखी थी वो 15 केजी वाले बंदे कुत्ते के लिए लिखी थी, मगर सुखविंदर ने प्रिस्क्रिप्शन को आल्टर नहीं किया, उसने मिनिमम से शुरू किया क्योंकि इतनी बड़ी गोली कुत्ता जिद्दी था, खाता नहीं था। ये वाली, ये भी आप नोट कीजिए, आपकी नॉलेज के लिए है ना कि अब इसमें। ये बेसिकली स्मार्ट डॉग्स कैट जो 5 किलो के होते हैं, ये तो लगभग उसको 3 गोली चाहिए थी मगर उसने 1 से शुरू की, डॉक्टर ने 3 की ली थी, उसको था कि गोली छोटी होगी धीरे धीरे उसको, क्योंकि उसको खिलाना कौन सा आसान है। इसमें क्या होता है, एस एडिनोसाइल मेथोनाइन और सिलीबियन ए प्लस बी सिलीबियन, ये वाली दवा बहुत ज़बरदस्त है, ये लगभग 250 रुपये की है। तो ये दवा शुरू की, अब देने का बहुत मुश्किल था कि मुंह में वो डालता नहीं था, उन्होंने किसी चीज़ में मिट्टी चीज़ में डाल के वो दिया और फैट्स बंद कर दिए टोटल, मीठी चीज़ और थोड़ी सी मॉडरेट प्रोटीन्स डाइट में रखी। हालांकि डॉक्टर कहता था फीड दे दो, लोग कहते थे फीड दे दो, फीड में जैसे ही उसको पता लगता था कि ये दवा है वो जीभ से बाहर फेंक देता था। अब CMACD वाला बंदा अगर उसको पेट केयर के बारे में नॉलेज है, उसको तरीके भी पता होते हैं, जब उसको प्रिस्क्रिप्शन मिलती है, उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है डॉक्टर की तरफ से, अगर उसने काम किया है MBSC के अंडर, तो एक ग्रामीण क्षेत्र में रात के टाइम, अदरवाइज तो हजार किसी का SGPT हो जाए किसी बंदे का, तो वो तो गया समझो मर गया, और हजार कुत्ते का किसी को बता दो तो भी गया मर गया। उसने इन सारी परिस्थितियों में 8 दिन में ये चीज़ कंट्रोल करके दिखा दी, और तकरीबन 5 तरीक को उसने डॉक्टर को फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब अगर आप चाहें तो मेरे को हुक्म कीजिए कि मैं प्रेडनिसोन 5 mg इसको दूँ, आपने तो पहले ही 20 mg इसको प्रिस्क्राइब की हुई है CHF, मैं सिर्फ 5 mg इस पर ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि उसको पढ़ाया गया था उसके टीचरों द्वारा कि जब लीवर में इन्फ्लामेशन होती है तो एंटी इन्फ्लामेटरी चाहिए जिससे कि SGPT जो है ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है लीकेज होके वापस आएगा, उसकी जो सोज है लीवर के सेलों की वो कम होगी और लीवर फंक्शन फास्ट होगा। और उधर हाइपोथायरायडिज्म की दवा थायरॉक्सिन देने से 200 mg, बाद में 200 mg पर वो स्टेबल कर दिया उसने, तो उसकी BMR बेसल मोटिव मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी। आज खुशी की बात है कि वो कुत्ता बच गया, दौड़ रहा है और रात को बौंकता है कि मेरे को दो खाने को, और अपने मालिक को पंजा मार के बुलाता है, वैसे ही एक्टिव है। 8 दिन और 1 CMACD वाला बंदा, इंस्ट्रक्शन प्रिस्क्रिप्शन उसने ली, लक्ष्मण रेखा में रहा बकायदा, और सिर्फ 1 प्रेडनिसोलोन उसने कहा कि डॉक्टर साहब ये ज़रूर ऐड कीजिए, डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल ठीक, ऐड की दौड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि आप डाल दो, सवाल ये है कि उसने ये देखा कि SGPT बढ़ा हुआ है, SGOT कम है, बिलीरुबिन कम है, नॉर्मल है। जो टीके लगाए तो टीके लगाने से 26,000 से 12,000 आ गया TLC, ठीक है जी, इंट्रामस्कुलर साइडें बदल के उसने लगाए, डॉक्टर की राय से लगाए, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक लगाए, तो लगाएगा ना, और पेशेंट भी तो उसके हैं, उसकी एडवाइस और प्राथमिक उपचार फ्री में दिया और कुत्ते की जान बचा ली। 5 दिन उनके फैमिली वालों ने, 4 जी हैं वो, रोटी नहीं खाई थी उन्होंने रोटी, क्योंकि कुत्ता उनकी जान है, फैमिली मेम्बर है। तो आज ना तो उसकी आँख फ्लिकर हो रही है, क्योंकि हाइपोथायरायडिज्म में जब भी हाइपोथायरायडिज्म होगी आँख फड़केगी, वो आँख फड़कने से डिफरेंशियल डायग्नोज करना आना चाहिए कि कहीं आँख में इंजरी तो नहीं है, कहीं आँख में स्टाई तो नहीं है, बंदा उधर की तरफ हो जाता है, मगर उसने ड्रॉप्स भी टोग्राम
एजिथ्रोमाइसिन की डाली डॉक्टर के मुताबिक, मगर डॉक्टर को फिर कहा कि डॉक्टर साहब कोई आँख में जो सोज आ रही है दोनों साइडों पे, क्या कोई आँख का हाइपोथायरॉयडिज्म फीचर तो नहीं, थायराइड को नहीं करा लेना चाहिए क्योंकि कुत्ता मोटा लग रहा है, खा कम रहा है, मोटा लग रहा है, ओबीज हो रहा है और स्लो है एरेक्शन में। तो डॉक्टर ने कहा बिल्कुल T3 T4 TSH कराओ। दोस्तों नॉलेज एक ऐसी चीज़ होती है, बंदे को आती है तो कुत्ते की भी जान बचाएगा, बंदा बंदे की भी जान बचाएगा। अब देख लिया होगा आपने, उसने कुछ भी अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, डॉक्टर ने कहा उसको एडमिनिस्ट्रेशन किया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सही संस्था से कोर्स किया हो, सही दिशा निर्देश हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ताकि मगर डिस्क्लेमर है यहाँ पे कि कभी भी अपने कोई वीडियो यूट्यूब पे गूगल सर्च करके किसी कुत्ते या बंदे का इलाज नहीं करना या सेल्फ मेडिकेशन, बहुत डेंजरस है, ये तो पटाखे हैं। अपनी लक्ष्य रेखा में रहो चाहे आप कितने भी क्वालिफाइड हो, क्योंकि डॉक्टर एक पढ़ा लिखा बेचारा डायग्नोज नहीं कर पाता, डायग्नोज होता ही मुश्किल से है बड़ी, बहुत डायग्नोज बंदे का या कुत्ते का करना कोई आसान थोड़ा है, एक एक चीज़ को रूल आउट करना पड़ता है। तो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और हमारा फ़ोन नंबर है 9872468540, व्हाट्सएप हमारी वेबसाइट www.paramedicalindia.com। धन्यवाद।